हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं यूपीएससी से रिलेटेड और भी बहुत अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बातों को लेकर। स्टडी मटेरियल्स भी होते हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज भी होती हैं और भी बहुत सारी जानकारियां जो आप जानना चाहते हैं हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज मैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ वो मेरी आगे की वीडियोस को ही चलाते हुए है, जो कि है ऑप्शनल पेपर्स। आप सबकी बेहद डिमांड पर आज मैं लेकर आई हूँ पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल पेपर का सिलेबस, जो कि मुख्य परीक्षा में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर आपके लिए हो सकता है, क्योंकि ऑप्शनल पेपर आपको चूज़ करने होते हैं, ये आप जानते ही हैं। शुरू करने से पहले मैं बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ दोस्तों, दैट प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड बाय गेटिंग द नोटिफिकेशन, एंड इफ़ यू डिडंट हैव सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट। तो चलिए शुरू करते हैं, आप भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट कीजिए सिलेबस आपके पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल पेपर का। ये बात तो मुझे समझ में आ चुकी है दोस्तों कि पॉलिटिकल साइंस एक बहुत मनपसंद विषय है आप सभी लोगों का, क्योंकि किसी और पेपर के लिए कभी इतनी ज़्यादा पूछताछ नहीं की गई जितना इस पेपर के सिलेबस के बारे में पूछा गया है। तो आज मैं इसीलिए आपके लिए राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पेपर के सिलेबस को लेकर आई हूँ, और यह विषय आपकी कूटनीतिक और राजनीतिक जो नॉलेज है उसके बारे में आपकी दक्षता के जांच के हिसाब से आपकी तैयारी को और ज़्यादा सुदृढ़ करता है, और इसके अंदर आपकी जो परख होती है वो भी इन्हीं सब के आधार पर होती है। तो जो IAS की मेन परीक्षा है उसमें राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधी विषय जो ऑप्शनल तौर पर लेते हैं हम, उसका सिलेबस क्या है वो आपको अच्छे से तैयार करना है। आपको प्री परीक्षा में तो इस विषय के अंतर्गत काफ़ी सवाल पूछे गए होंगे, उसकी जानकारी होगी ही, और उसकी तैयारी तो आप ऑलरेडी कर ही रही होंगे। शायद यही एक कारण है कि बच्चे चाहते हैं कि वो ऑप्शनल भी इसी को ले लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं प्री मेंस के भी और मुख्य परीक्षा के लिए भी सही होता है। तो पॉलिटिकल साइंस के पेपर वन और पेपर टू के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, उस सिलेबस को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और उनके नोट्स भी बहुत अच्छी तरीके से बनाइएगा। डिटेल स्टडी आपको ही करनी है, तैयारी आपको ही करनी है। आई कैन ओनली हेल्प यू विद सिलेबस, और हाँ, अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप अटके तो बताइएगा, तो मैं आपके लिए डिटेल्ड उसकी भी जानकारी लेकर आऊँगी। तो जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पेपर का पहला पेपर है वो है राजनीतिक सिद्धांत और भारतीय राजनीति, जिसके अंतर्गत जो सब टॉपिक्स हैं वो हैं राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ और दृष्टिकोण, राज्य के सिद्धांत, उदार, नव उदार, मार्क्सवादी, बहुवचनवादी, औपनिवेशिक और नारीवादी, न्याय, रावल के न्याय सिद्धांत और इसकी साम्यवादी आलोचनाओं के विशेष संदर्भ के साथ न्याय की अवधारणाएं, समानता, समानता और स्वतंत्रता के बीच सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंध, सकारात्मक कार्यवाही, अधिकार, अर्थ और सिद्धांत, विभिन्न प्रकार के अधिकार, मानव अधिकारों की अवधारणा, लोकतंत्र, शास्त्रीय और समकालीन सिद्धांत, लोकतंत्र के प्रतिनिधि, सहभागी और विचार विमर्श के विभिन्न मॉडल। सातवां है शक्ति, वर्चस्व, विचारधारा और वैधता की अवधारणा। फिर है राजनीतिक विचारधारा, जिसके अंतर्गत आपको उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, फांसीवाद, गांधीवाद और नस्लवाद के ऊपर नोट्स तैयार करने पड़ेंगे और बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर है भारतीय राजनीतिक विचार, जिसमें है धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और बौद्ध परंपराएं, सर सैयद अहमद खान, SRI अरबिंदो, MK गांधी, BR अंबेडकर और MNI रॉय। इसके बाद है पश्चिमी राजनीतिक विचार, प्लेटो, एरिस्टोटल, माचियावेली, हॉब्स, लॉक, जॉन, S मिल, मार्क्स, ग्रामसी, हन्ना, अर्डंट। अब उसके बाद आता है भारतीय सरकार और राजनीति। तो इसके अंतर्गत जो टॉपिक्स आते हैं वे हैं भारतीय राष्ट्रवाद, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की राजनीतिक रणनीतियां, जनता सत्याग्रह, असहयोग, नागरिक अवज्ञा के लिए संवैधानिकता, आतंकवादी और क्रांतिकारी आंदोलनों, किसानों और श्रमिकों की गतिविधियां, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर परिप्रेक्ष्य, जिसमें है लिबरल, सोशलिस्ट और मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, कट्टरपंथी, मानवीय और दलित के ऊपर
आपको नोट्स बनाने हैं। सेकंड है भारतीय संविधान बनाना, जिसमें ब्रिटिश शासन की अवधारणाएं, विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण। फिर है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, जिसमें प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है, निर्देशक सिद्धांत के बारे में पता करना है, संसदीय प्रणाली और संशोधन प्रक्रिया के बारे में आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, और न्यायिक समीक्षा और मूल संरचना सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। फिर है सब टॉपिक केंद्र सरकार के प्रमुख अंग, चौथे में कार्यकारी विधानमंडल और सुप्रीम कोर्ट की वास्तविक भूमिका और परिकल्पना। ह, राज्य सरकार के प्रमुख अंगों में है कार्यकारी विधानमंडल और उच्च न्यायालयों की वास्तविक भूमिका और परिकल्पना की जानकारी। पांचवा है ग्रास रूट लोकतंत्र, जिसमें पंचायती राज और नगर पालिका सरकार, 73वें और 74वें संशोधनों का महत्व और ग्रास रूट आंदोलनों के बारे में जानकारी। फिर है वैधानिक संस्थान या आयोग, जिसमें चुनाव आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में आपको पढ़ाई करनी है। वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करनी है और तैयारी करनी है। फिर आता है संघवाद, संवैधानिक प्रावधान, केंद्र राज्य संबंधों की प्रकृति बदलती है, एकीकरणवादी प्रवृत्तियों और क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या होती हैं उसके बारे में जानकारी, और अंतर राज्य विवाद के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी है। फिर है योजना और आर्थिक विकास, तो नेहरूवादी और गांधीवादी दृष्टिकोण, नियोजन और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, हरित क्रांति, भूमि सुधार और कृषि संबंध, उदारीकरण और आर्थिक सुधार, इन सब के बारे में आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं। फिर है भारतीय राजनीति में जाति, धर्म और नस्ल, और फिर है पार्टी सिस्टम, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों, पार्टियों के विचार, धारात्मक और सामाजिक आधार, गठबंधन राजनीति के पैटर्न, दबाव समूह, चुनावी व्यवहार में रुझान, विधायकों के सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल को बदलना। और 11वां है सामाजिक आंदोलन, नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार आंदोलन, जिसमें है महिला आंदोलन, पर्यावरणवादी आंदोलन, इन सब के बारे में आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ये तो था पेपर वन। अब हम बात करते हैं पेपर टू के बारे में, जो है तुलनात्मक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो उसके अंदर आपका सिलेबस क्या है, क्या टॉपिक्स है, आप उनको भी नोट कर लीजिए। तुलनात्मक राजनीति, जिसमें है प्रकृति और प्रमुख दृष्टिकोण, राजनीतिक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक समाजशास्त्र दृष्टिकोण, तुलनात्मक विधि की सीमाएं। सेकंड इज तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में राज्य, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में राज्य की विशेषताएं और बदलती प्रकृति, और उन्नत औद्योगिक और विकासशील समाज। थर्ड इज प्रतिनिधित्व और भागीदारी की राजनीति, उन्नत औद्योगिक और विकासशील समाजों में राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और सामाजिक आंदोलनों के बारे में जानकारी। देन वैश्वीकरण, चौथा जो आपका टॉपिक है, विकसित और विकासशील समाजों के जवाब। पांचवा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के दृष्टिकोण, जिसमें है आदर्शवादी, यथार्थवादी, मार्क्सवादी, कार्यकर्ता और सिस्टम के सिद्धांत। सिक्स वन इज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण अवधारणाएं कौन सी है उनके बारे में जानकारी, जैसे कि राष्ट्रीय हित, सुरक्षा और शक्ति, शक्ति और प्रतिरोध का संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं और सामूहिक सुरक्षा, विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण। सेवेंथ इज अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आदेश को बदलना, जिसके अंतर्गत जो सब टॉपिक्स हैं वो है सुपर शक्तियों का उदय, सामरिक और वैचारिक द्विपक्षीयता, हथियारों की दौड़ और शीत युद्ध और परमाणु खतरा, इसके ऊपर भी आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। सेकंड सब टॉपिक इज गैर अलंकृत आंदोलन, जिसमें लक्ष्य और उपलब्धियों के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है। थर्ड इज सोवियत संघ का पतन, एकता और अमेरिकी विरासत, समकालीन दुनिया में गैर संरक्षण की प्रासंगिकता। अब है एट्थ टॉपिक, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली का विकास, ब्रेटन वुड के WTO तक जितना भी उनका विकास हुआ है उसके बारे में,
समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं और CMEA यानी कि म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस काउंसलिंग, तीसरी दुनिया की नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग और विश्व अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण, नाइन्थ इज संयुक्त राष्ट्र परिकल्पना की भूमिका और वास्तविक रिकॉर्ड, विशिष्ट संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों उद्देश्य और कार्य, संयुक्त राष्ट्र सुधारों की आवश्यकता क्यों है, इन सब के बारे में भी आपको जानकारी हासिल करनी है, तैयारी करनी है, नोट्स बनाने हैं और पढ़ाई करनी है। 10th इज विश्व राजनीति के क्षेत्रीयकरण के बारे में, आपको यूरोपीय संघ, आसियान, APEC और SAARC और NAFTA के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। 11th इज समकालीन वैश्विक चिंता, जिसमें है लोकतंत्र, मानव अधिकार, पर्यावरण, लिंग न्याय, आतंकवाद, परमाणु प्रसार। अब भारत और विश्व इस पूरे के बारे में अगर हम जाने तो उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इनके ऊपर भी आपको तैयारी करनी है, नोट्स बनाने हैं और डिटेल स्टडीज करनी है। पहला है भारतीय विदेश नीति, विदेश नीति के निर्धारक, नीति बनाने के संस्थान, निरंतरता और परिवर्तन। सेकेंड इज गैर संरक्षण आंदोलन में भारत का क्या योगदान रहा, विभिन्न क्या चरण थे उनके अलग अलग, उनके बारे में और वर्तमान भूमिका क्या है उनके बारे में जानकारी। थर्ड इज भारत और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग, SAARC पिछले प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाएं। ख इज एक मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में दक्षिण एशिया, और सी है भारत की लुक ईस्ट नीति, क्षेत्रीय सहयोग के लिए प्रभाव, नदी के पानी के विवाद, अवैध सीमा पर प्रवसान और जातीय संघर्ष और विद्रोह, साथ में सीमा पर जो विवाद है उनके बारे में भी आपको नोट्स बनाने हैं। फोर्थ इज भारत और वैश्विक दक्षिण, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के संबंध और NIEO और WTO वार्ता की मांग में नेतृत्व की भूमिका। फिफ्थ भारत और वैश्विक शक्ति केंद्र, USA, EU, जापान, चीन और रूस। भारत और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, छठा पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र शांति पालन में भूमिका इसके अंतर्गत आती है, और सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की मांग कैसे की जाती है, क्या है, इन सब के बारे में जानकारी। सेवेंथ इज भारत और परमाणु प्रश्न, धारणाओं और नीति को किस तरह बदलते हैं, इन सब के बारे में जानकारी। एट्थ वन इज भारतीय विदेश नीति में हाल के घटनाक्रम के बारे में, अफगानिस्तान, इराक और पश्चिम एशिया में जो हालिया संकट है उस पर भारत की क्या स्थिति है उसके बारे में, अमेरिका और इजराइल के साथ जो बढ़ते संबंध है हमारे उसके बारे में, और एक नए विश्व व्यवस्था की दृष्टि किस तरीके से होगी, उन सब के बारे में हमें नोट्स बनाने हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, और ऐसी तैयारी करनी है कि वी कुड नेल इट डाउन। तो ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल पेपर का सिलेबस जो आपको मीन्स में लेना है। उम्मीद है सिलेबस अच्छे से समझ आ गया होगा, फिर भी अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी पॉइंट है जो आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जिसके बारे में आपको तैयारी करनी है, प्लीज़ नीचे कमेंट एरिया में लिख दीजिएगा, हम जल्द से जल्द आपके लिए उसका भी सोल्यूशन लेकर आएंगे। तब तक आप तैयारी कीजिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। UPSC की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है UPSC 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। IAS डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें UPSC CSAT, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन Amazon या Flipkart से और क्रैक करें UPSC एग्जाम।